असलम एवरी वन दिस इज़ डॉक्टर सहार चावला राइट हार्ट योर सर्विस अभी मैंने एक वीडियो की थी कि अगर आपकी बॉडी में कॉडिसल कम हो जाए आपने उसको कैसे डायग्नोस करना है और आपने उसको ट्रीटमेंट की तरफ कैसे लेके जाना है और कॉटसोल आपके जिसमें क्यों ज़रूरी है उसके फंक्शंस भी मैंने बताए थे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल कम हो तो आपको एलर्जीज भी हो सकती है आर्थराइटिस भी हो सकता है एक्नी भी हो सकती है और ऑटोमिन डिजीज भी हो सकते हैं तो कॉर्टिसोल का जिसम भी होना बहुत जरूरी है लेकिन अगर यही कॉर्टिसोल ज़रूरत से ज्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी में और ज़्यादा चेंजेस हो सकती हैं आपकी बॉडी में तभीोकम्प्रोमाइज फंक्शन हो सकते हैं आपको ऑस्टिप्रोसेस हो, है, हो सकता है आपको इंसोमिया हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो सकता है तो वो ऑपोजिट की तरफ चेंजेस जाती हैं अब कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए उसको लोअर करने के लिए में जो उसके अपोजिंग हारमोन है उसके

कितनी भी बड़ी उम्र के हो जाएं ग्रोथ हार्मोन किस वक्त सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है जिस वक्त आप सो रहे होते हैं इसीलिए जो लोग स्लीप डिप्राइव रहते हैं पूरी पूरी रात जागते हैं उनके कोर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं अगर आप रात को सोते और एकदम आपकी दो तीन बजे ऐसे झटक के आँख खुल जाती है तो और ये रोज़ का मामूल है और उसके बाद आप सो नहीं पाते हैं लेकिन उसके बाद आपको सुबह सात आठ बजे नींद आना शुरू है क्लासिकल एग्जाम्पल है कि आपके जिसम में कॉर्टिसोल ज़्यादा है स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से टाइम पर ना सोने की वजह से अच्छी नींद ना लेने की वजह से भी कॉर्टिसोल हाई होना शुरू है और जब कॉर्टिसोल हाई हो ये एक साइकिल है तब भी आपको नींद नहीं आती और उसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है रात के दो तीन बजे आपकी आंख खुल जाती है क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि आ, चाहता है कि दो तीन बजे जो है वो आपके कोर्टिसोल लेवल्स लो हों लेकिन जब आपका कॉर्टेसोल लेवल हाई होता है तो वो एबनॉमल कुदरत के क्लॉक के अगेंस्ट जा रहा होता है उस टाइम वो ऊपर होता है तो कॉर्टसोल अलर्टनेस का हार्मोन है उस टाइम आपकी आंख खुल जाती है और अल्लाह ताला चाहता है कि सुबह आठ बजे आपका कॉर्टेसोल हाई हो तो आपकी साइकिल क्योंकि उल्टी हुई होती है सुबह आठ बजे वो फिर नीचे आना शुरू होता है तो आपकी अलर्टनेस नीचे जाती है तो उस टाइम आपको फिर नींद आना शुरू हो जाती है ये तो मैंने आपको रीज़न बता दी तो सबसे पहले अगर आप अपने स्लीप लेवल्स रेगुलेट करेंगे आप रात को ग्यारह बजे से पहले सो जाएंगे आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन फिर से सिक्रीट होना शुरू होगा कॉर्टोसो के लेवल्स रेगुलेट होना शुरू होंगे दूसरा हार्मोन जिसके साथ आपको खेलने की जरूरत है या प्रोटीन वो है आई जी एफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन ये आपके जिगर में आपके लिवर में बनता है और ये वो हार्मोन है जो कि आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल करता है उस वक्त जिस वक्त आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं आप खा नहीं रहे होते याद रखिए कि इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल्स उसको कंट्रोल करता है जिस वक्त आप खा रहे होते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन आपके ब्लड शुगर लेवल्स उसको कंट्रोल करता है जिस वक्त आप नहीं खा रहे होते हैं इसका मतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्नैकिंग नहीं करेंगे इंटरमीडियंट फास्टिंग पे रहेंगे अपनी डाइट को कंट्रोल रखेंगे तो आपके कॉर्सोल लेवल्स जो हैं वो रेगुलेट होंगे वाइटामिन डी एडिक्वेटली सनलाइट का एडिकुएट एक्सपोजर जो है वो आपके कॉरसोल लेवल्स रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है मोस्टली जो लोग होते हैं ना जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है उनकी आ, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होते हैं उनके कॉरसोल लेवल ज़्यादा होते हैं और वो जितना मर्जी वॉक और जिम कर लें उनका पेट अंदर नहीं जाता मैं आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ मैं आ, दो साल पहले आई ट्रेवल अलॉट और दो साल पहले मैं एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर गई हुई थी और जब मैं उस ट्रॉपिकल आइलैंड से वापस आई मेरा बेली फैट बिल्कुल गायब था तो मैं जिस नतीजे पर पहुँची बिकॉज ऑफकोर्स जब आप सैर पर जाते हैं आप सैर उतफरी करते हैं अच्छे में जाते हैं सनलाइट लेते हैं तो आपका बिकॉज थोड़ा बहुत डेली फैट तो हर एक कोई होता है जब आप सनलाइट वगैरह लेते हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स नीचे जाते हैं तो जब स्ट्रेस नीचे जाता है उससे स्ट्रेस रिलेटेड डेली फैट जो आपका नीचे जाता है ना उसका दुनिया की कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती वाइटामिन डी को डाइट में इंक्लूड करने के लिए यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉडसल लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए कि आपकी डाइट में गुड फैट शामिल हो देसी घी शामिल हो नारियल का तेल शामिल हो जैतून शामिल हो गोश की चर्बी शामिल हो फिश फैटी फिश शामिल हो बहरहाल मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड हॉलिस्टिक बिस्टम बाई सार चावला ने पाकिस्तान का बेहतरीन हंड्रेड ऑर्गेनिक की नारियल का तेल और जैतून का तेल लॉन्च किया है मुझसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको कहीं मिल गए तो फिर मुझे बताएगा डब्ल्यू डब्ल्यू आप ऑर्डर कर सकते हैं वीडियो अभी चल रही है जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है येलो पट्टी में लिंक आ रहे हैं मेरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स की शिपमेंट का जो फेसबुक वाली ऑडियंस है इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का जो लिंक आ रहा है पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी डाइट में बी वन ज्यादा रखें मैंने एक बार पहले भी न्यूट्रिशन का जिक्र किया था कि अगर इसके दो टेबल स्पून आप अपने सालन में अपने सूप में अपनी रोटी में गूंद के या अपने सैंडविच में डाल लेते हैं तो बी वन और काम करने में बहुत हेल्प करते हैं बड़ा फेमस सिंड्रोम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मेरे पास एक्चुअली पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती हमारी टांगे हमें इतना तंग कर रही होती है हम टांगे इतना हिला रहे होते हैं कि रात को उठ के चलना शुरू कर देते हैं ये बी वन की कमी से होता है और बी वन की कमी से जनरलाइज एग्जाइटी भी होती है इनफैक्ट मेरे बहुत सारे पेशेंट्स बच्चे जो कि ईडी और ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं उन बी वन के मैं उनकी रेस्टलेसनेस एंजाइटी और एंगर इश्यूज जो है उसको ट्रीट करती हूँ तो बी वन जो है वो आपके कोर्टिसोल का भी इलाज है एंड नेक्स्ट थिंग आपका जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है ना पैरासम्पथेटिक सिस्टम है उसको आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है उसको प्यार करता है उसको रेगुलेट करता है तो इससे भी आपके कॉटसोल लेवल्स नीचे आ सकते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम को आप अपनी डाइट में ग्रीन पाउडर से इंक्लूड कर सकते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसनेट फाइव हंड्रेड मिलीग्राम का आप सेपरेट सप्लीमेंट ले सकते हैं सोने से पहले मेरी ब्रांड हॉलिस्टिक मिसम बाय सहरार चावला ने अपने हंड्रेड ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स लॉन्च किए हैं वो भी आप मेरी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी एल सॉल गिन में अचानक इन्फॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़